ऑलराइट गाइस, तो 1997 में टोहो ने गॉडज़िला फ्रेंचाइजी पर एक शो स्टार्ट किया था जिसका नाम था गॉडज़िला आइलैंड, जिसमें इन्होंने मॉन्स्टर्स के एक्शन फिगर्स को यूज किया था मॉन्स्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, और इसका हर एपिसोड 3 मिनट का था। सो टोटल 256 एपिसोड रिलीज हुए थे। सो अब गॉडज़िला की पहली स्टोरी को जानने का समय आ गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ईयर 2097 में एक आइलैंड बना दिया गया है जहां पर सभी मॉन्स्टर पीसफुली रहने लगे हैं, और इस आइलैंड का जी गार्ड कमांडर अपने असिस्टेंट लूकस, जो कि एक हाईटेक रोबोट है, ये दोनों मिलकर आइलैंड की सभी गतिविधियों पर नजर रखे रहते हैं। और ये अचानक से दोनों सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक UFO आ जाती है, और लूकस कहता है कि हमें मॉन्स्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन जी कमांडर कहता है कि ये हमारी लड़ाई है, और वो जेट जैगुआर, मेका गॉडज़िला और मोगोयरा को फाइट करने के लिए भेजता है, लेकिन इन तीनों को ये UFO एक एक ब्लास्ट में उड़ा देती है। और उस UFO में से एक लड़की की आवाज आती है जो बताती है कि उसका नाम जैगरेस है और वो प्लैनेट एक्स से आई है धरती पर कब्जा करने के लिए। तभी वहां पर एक मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट आ जाता है और वो इस जिलियन शिप पर अटैक करने लगता है, जिसके कारण जैगरेस UFO लेकर वहां से भाग जाती है, और इस एयरक्राफ्ट से एक लड़की निकलकर इनके हेडक्वार्टर में आती है और वो अपना नाम टोरेमा बताती है, और वो जी कमांडर से कहती है कि वो इनकी मदद करने आई है, बस उसे थोड़ी बहुत पेमेंट देनी होगी। जी कमांडर उसे पोछा लाकर देता है जिससे वो खफा हो जाती है, लेकिन वहां पर गॉडज़िला रोर करने लगता है। टोरेमा उसकी भाषा समझ सकती है, वो बताती है कि गॉडज़िला इसलिए रोर कर रहा है क्योंकि स्पेस गॉडज़िला आने वाला है, और स्पेस गॉडज़िला गॉडज़िला आइलैंड पर पहुंच जाता है और वो अपनी कोरोना बीम से यहाँ के जी गार्ड के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और टोरेमा बताती है कि गॉडज़िला कह रहा है कि मुझे उससे फाइट करने दो, और टोरेमा भी निकल जाती है गॉडज़िला की मदद करने के लिए। गॉडज़िला और स्पेस गॉडज़िला आपस में लड़ने लगते हैं। टोरेमा गॉडज़िला से कहती है कि वो स्पेस गॉडज़िला के शोल्डर के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दे, और गॉडज़िला अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ से उसके शोल्डर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और टोरेमा भी स्पेस गॉडज़िला के ऊपर शूट करने लगती है। इसके बाद में गॉडज़िला स्पेस गॉडज़िला के चेस्ट पर अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ से अटैक करता है और स्पेस गॉडज़िला एक्सप्लोड हो जाता है। जी कमांडर कहता है कि गॉडज़िला और टोरेमा ने स्पेस गॉडज़िला को डिफीट कर दिया, लेकिन लूकस को डाउट है। लूकस कहता है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ने एक साथ में उसे शूट किया, और टोरेमा यहां पर वापस आ जाती है और जी कमांडर से अपनी पेमेंट मांगती है, और वो लेकर वहां से चली जाती है। जी कमांडर भी उसके पीछे पीछे भागता रह जाता है, और जिलियन जैगरेस अपनी UFO से हंसती रहती है और कहती है कि टोरेमा मुझे याद रखना क्योंकि अगली बार चीजें और ज्यादा बुरी होने वाली है, और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ऑलराइट गाइस, ये थी गॉडज़िला आइलैंड की स्टोरी नंबर 1, गॉडज़िला एंड स्पेस गॉडज़िला सागा। ये एक स्टोरी 5 एपिसोड में डिवाइड थी, लेकिन गॉडज़िला आइलैंड का हर एपिसोड 3 मिनट का ही था, तो हर एपिसोड को कवर करने से अच्छा है एक स्टोरी को कवर करना ज्यादा बेटर होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आगे की स्टोरी भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।